तो टोटल जो मिला के मेरी सैलरी बनी इस बेस पे वो बनी 83,190 रुपीज, 86,190 रुपीज जीजीएस में, ठीक है। दुर्घटना बीमा वगैरह होता है उसमें, उसके 60 रुपए के डिडक्ट हुए और हेल्थ एजुकेशन के लिए मुझे 160 रुपए जो है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। देखो आप सब लोग जो है वो मोटिवेशन वीडियो की तरफ जाते हो, आप सबको मोटिवेशन चाहिए, असल सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीच बीच में आपको एक प्रेरक तत्व चाहिए जो आपको प्रेरित करे और अच्छे से तैयारी करने में, मॉक्स देने में, अपने आप को एक स्टडी रूटीन में ढालने में। तो आज का वीडियो शायद इससे बेहतर वीडियो या इससे मोटिवेटिव वीडियो आपके लिए कोई नहीं हो सकता। ये है सैलरी वीडियो कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की 4200 ग्रेड पे जॉब मिले, 2800 मिले, 4600 मिले, बट सब लोग आप जो है वो सबसे हाईएस्ट सैलरी पाना चाहते हो एसएससी सीजीएल से, तो उसमें कितनी सैलरी है, एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। और 4600 ग्रेड पे की जितनी भी पोस्ट है, लाइक एक्साइज इंस्पेक्टर, लाइक एएसओएनएमई, अब एएफएचक्यू, सीएसएस, या कोई भी 4600 ग्रेड पे की जॉब जो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हो, उसकी ऑलमोस्ट सैलरी कितनी होती है, सैलरी कैसे कैसे बढ़ती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं और कौन कौन सी उसमें डिडक्शंस होते हैं, और लाइक आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए जो है वो जमा होते हैं, तो सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग वीडियो है ये, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना कैसे आपकी सैलरी बनने वाली है जब आप ऑफिसर बनोगे। आप भी तो ऑफिसर बनोगे ना एक दो साल में, तो आपकी सैलरी कितनी आएगी, कैसे कैसे डिडक्शंस होंगे, तो आप जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए काफी आवश्यक वीडियो होगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो उस पर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे यूजफुल वीडियोस भी मिलते हैं, लाइक सीजीएल चॉइस की डेली टारगेट सीरीज चल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सीजीएल मेंस की टारगेट सीरीज चल रही है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो चैनल आपको बहुत यूजफुल कंटेंट मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं आज के वीडियो पे कि क्या है सैलरी एसएससी सीजीएल के थ्रू और कैसे सैलरी बढ़ती है। तो लाइक जब मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो जब मेरा बेसिक पे जो था वो था 44,900 रुपये, 44,900 रुपये मेरा बेसिक पे था, और अब मेरा सैलरी बढ़ के या मेरा बेसिक पे बढ़ के कितना हो चुका है, 46,200 रुपये। आपका जो बेसिक पे होता है उस पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, और उसके बाद आपकी जो फाइनल सैलरी है उसमें से कटौतियां होती है, ये तो ग्रोथ सैलरी बनती है, और उसमें से कटौतियां होती है, डिडक्शंस होते हैं आपके एनपीएस अकाउंट के, आपके हेल्थ स्कीम के, और उसके बाद आपकी जो इनहेंड सैलरी है वो आपको मिलती है। तो जब मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर में, दिसंबर 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, मेरी पहली सैलरी जो आई थी वो 72,000 रुपये आई थी, ऑलमोस्ट 72,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद उसमें कटौतियां हुई, सब कुछ हुआ, वो हम अभी आगे के वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद जो मेरी क्योंकि उस टाइम हम ज्वाइन किया था तो हमारा इनकम टैक्स नहीं डिडक्ट हो रहा था, बट लेटर ऑन हमें इनकम टैक्स भी डिडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स भी जो है हमारी सैलरी पे बनता है, बिकॉज हमारी इनकम 8 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो जो इनकम टैक्स कटने के बाद मेरी सैलरी आना शुरू हो गई 69,000, और इनकम टैक्स जो हम जितना चाहें उतना अभी कटवा सकते हैं, अदरवाइज हमें लास्ट जब मार्च मंथ आता है तो हमें कवर अप करना होता है बाकी सब, तो थोड़ा थोड़ा इनकम टैक्स हम अभी से कटवाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी जो सैलरी आई थी बाद में वो मेरी 69,000 होने लग गई, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स कटवाना शुरू कर दिया। अब एक इंक्रीमेंट लग गया जुलाई में, इंक्रीमेंट कब लगता है, तो 6 महीने की अगर आपकी सर्विस हो चुकी है जुलाई तक तो जुलाई में लग जाता है, और अगर 6 महीने की सर्विस नहीं हुई है जुलाई तक तो फिर आपका नेक्स्ट जनवरी में लगता है। लाइक मैंने 28 दिसंबर को ज्वाइन कर दिया, तो मेरे 6 महीने हो चुके थे जुलाई तक, तो मेरा इंक्रीमेंट जुलाई में लग गया, और मेरा इंक्रीमेंट लगा, और इंक्रीमेंट लगने के बाद अब मेरा जो बेसिक पे है वो 46,200 रुपये हो गया, जो कि पहले कितना था, 44,900 रुपये। तो अब इस 46,200 रुपये जो मेरा बेसिक पे हुआ उसके बेस पे मेरी सैलरी कितनी है बारे में जानते हैं। देखिए मेरा जो बेसिक पे है, जैसा कि मैंने बताया 46,200 रुपये, उसमें जो डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो मिल रहा है मुझे 19,404 रुपये। आचार्य जो मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, वो मिल रहा है मुझे 12,474 रुपये। और उसके अलावा जो हमें ट्रेवल अलाउंस मिलता है वो हमें मिल रहा है 5,112 रुपये। ये अभी जब मेरा पहला इंक्रीमेंट लग चुका है उसके बाद ये जो है मुझे मिल रहे हैं अलाउंसेस, ठीक है। तो टोटल जो मिला के मेरी सैलरी बनी इस बेस पे वो बनी 83,190 रुपीज, 86,190 रुपये। ये है हमारी ग्रोस सैलरी जो हमें एक्चुअल में ग्रोस रूप में मिल रही है, बट इसमें क्या होता है, हमारे डिडक्शंस होते हैं कुछ, तो डिडक्शंस के बारे में भी जान लीजिए कि आपके कौन से डिडक्शंस होंगे, चाहे किसी भी जॉब में हो आप 4600 ग्रेड पे की, उसमें सेम यही पैटर्न रहता है, आपकी जो सैलरी है उन्हीं बेस पे तैयार होती है। तो जो डिडक्शंस हैं वो मेरा पहला हुआ जीआईएस में, ठीक है, दुर्घटना बीमा वगैरह होता है उसमें, तो उसके 60 रुपए के डिडक्ट हुए। एम्प्लॉयड टीयर वन एनपीएस अकाउंट, उसमें मेरे डिडक्ट हुए 6,561 रुपए, तो ये मेरे एनपीएस अकाउंट में 6,561 रुपए मेरे, और समथिंग 8,000 रुपए गवर्नमेंट के होते हैं इंक्लूड, तो टोटल 14,000 रुपीज टू 15,000 रुपीज मेरे एनपीएस अकाउंट में हर मंथ जो है वो जमा हो रहे हैं। एनपीएस अकाउंट वो अकाउंट होता है कि जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो आपको जो राशि मिलती है, इनकम मिलती है पूरी, जो आपको कहते हैं उसको रिटायरमेंट वाली, ठीक है, तो वो आपको मिलती है टोटल ये एनपीएस अकाउंट से। तो ये जो है ना एनपीएस अकाउंट से, उसमें आपके मेरे जो डिडक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6,561 रुपए।
इनकम टैक्स मेरा डिडक्ट मैं करवा रहा हूँ अभी 4,000 रुपये, मैं 4,000 रुपये इनकम टैक्स डिडक्ट करवा रहा हूँ अभी 8%, ठीक है। मैं इसको 3,000 भी करवा सकता हूँ, 2,000 भी करवा सकता हूँ, बट 8 लास्ट जब ईयर एंड होगा तो हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा, तो मैं अभी से ही 4,000 रुपये डिडक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसमें मेरे 650 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं, और हेल्थ एजुकेशन के लिए मुझे 160 रुपये जो है डिडक्ट करवाने पड़ रहे हैं। तो ये टोटल डिडक्शंस हुए, और टोटल डिडक्शंस कितने हुए तो 11,431 रुपये का टोटल डिडक्शंस हुआ। तो अब मेरी टोटल सैलरी, ग्रोस सैलरी जो थी वो 83,190 रुपीज़ थी, और उसमें डिडक्शंस हो रहे हैं 11,431 रुपये के, तो मेरी जो इनहैंड सैलरी है वो कितनी बची, आप खुद घटा के देख सकते हो। जो मेरी सैलरी बचेगी वो बचेगी 71,759 रुपीज़, 71,759 रुपीज़। ये अभी मेरी परचेंट इनहैंड सैलरी है आफ्टर वन इंक्रीमेंट, ठीक है। आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 72K, तो 72K मतलब 72,000 मेरी अभी परजेंट की सैलरी है। और कोई भी अगर नया आप में से कोई भी ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी भी ऑलमोस्ट 70, 69, 71 यही रहने वाली है। तो आपकी सैलरी अगर आप एसओ सीएसएस बन रहे हो, एसओ एमईए बन रहे हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बन रहे हो, एसओ इन एफएचक्यू बन रहे हो, एसओ इन रेलवे बन रहे हो, कोई भी पोस्ट पे अगर आप जाते हो सीजीएल की 4600 ग्रेड पे की जॉब पे, तो आप मान सकते हो कि आपकी जो पहली सैलरी होगी वो 70K के अराउंड होगी, 70,000 रुपये के अराउंड आपकी जो पहली सैलरी है वो होगी। तो यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको अपनी सैलरी स्लिप के बारे में बताया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सैलरी बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा इस चीज से कि यार आपकी सैलरी, आप आज जीरो पे हो, जीरो से कहां जाओगे, 72, 71 पे जाओगे या 70 पे जाओगे, तो इससे ज्यादा मोटिवेटिंग कोई चीज हो नहीं सकती। तो आई थिंक कि आपको ये सैलरी बहुत अच्छी लगी होगी, हैंडसम अमाउंट है वैसे, जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से अच्छी हमें इनकम मिल रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करके जाना चैनल पे, बिना लाइक के मगर मत जाना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये जो सैलरी है वो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना कि कितने रुपए आपके हिसाब से मिलने चाहिए थे, और या कम है ज्यादा है वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।